श्री कृष्ण हो या महाभारत, सभी में कृष्ण लीला तो दिखाई है, लेकिन कंस का पराक्रम बहुत कम ही दिखाया गया है। श्री कृष्ण के राजपुरोहित गर्गाचार्य ने जो गर्ग संहिता लिखी है, उसमें उन्होंने कंस के बल का वर्णन किया है, जिसे जान एक बार तो आप भी कहेंगे कि वो रावण से भी ज़्यादा बलशाली हो सकता है। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कंस का बल। वत्तासुर, पुतना, तृणावृत, अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, केसी, व्योमासुर, सकटासुर, इन सभी असुरों को भगवान कृष्ण ने बचपन में ही मार दिया था। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन सभी को कंस ने अपनी दिग्विजय यात्रा में परास्त कर अपना गुलाम बना लिया था, तभी प्राण दान दिए इनको, नहीं तो ये कंस के हाथों भी मारे जाते। जरासंध का हाथी कुवल्या पीढ़, जिसमें हजार हाथियों का बल था, जरासंध की दिग्विजय के समय उसके साथ था। मथुरा नगरी के पास जब उसने शिविर लगाया तो वो हाथी कंस की नगरी में घुस गया। कंस तब मल्ल युद्ध में व्यस्त था। तब कंस निहत्ता ही उस हाथी से भिड़ गया और उसे उठाकर जरासंध के शिविर में फेंक दिया। हाथी फिर भी मरा नहीं, लेकिन यह पराक्रम देख उसने अपनी दो बेटियों का विवाह कंस से करा दिया और उससे संधि कर ली। तो आप सोच सकते हैं कि जरासंध जैसा महाबलशाली योद्धा अगर अपनी दो बेटियों का विवाह कंस के साथ करवा देता है तो कंस वास्तव में कितना बलशाली होगा, क्योंकि जरासंध एक महायोद्धा थे जो इतने तो मूर्ख नहीं होंगे कि किसी कायर को अपनी बेटियां दे देंगे। कंस ने अपने काका देवक की बेटी देवकी के विवाह के पूर्व ही दिग्विजय की यात्रा शुरू की थी, जिस दौरान उसने सभी उपलब्धियां हासिल की थी। इसी दौरान वो महेंद्र पर्वत पहुंचा और उस पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। ये जान उसे महेंद्र पर्वत को वैसे ही उठा लिया जैसे रावण ने हिमालय को उठा लिया था। तब परशुराम जी कुपित हो गए तो कंस ने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की और कहा, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। तब भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसे भगवान विष्णु का धनुष दिखाते हुए कहा कि ये 1,20,000 किलो का है और हाँ, ये ऊपर से दिव्य धनुष है, अगर तुमने इसे उठा लिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और ये धनुष तुम्हें दे दूंगा। महाबलशाली कंस ने सहसा उस धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा भी कर डाली तो परशुराम जी प्रसन्न हुए और उसे वो धनुष दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जो ये धनुष तोड़ेगा वही तुम्हारा अंत करने में सक्षम होगा। कंस मल्ल युद्ध का बड़ा शौकीन था, उसके बराबर मथुरा में कोई पहलवान भी नहीं था। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोसी देश के राजा जो कि 5 भाई थे, वो सभी मल्ल युद्ध में पारंगत थे। कंस उनके राज्य में गया और उन्हें ललकारा और कहा कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा सेवक और मैं जीता तो तुम मेरे सेवक। तब कंस ने एक एक करके 500 भाइयों को मल्ल युद्ध में हरा दिया और उसमें से मुष्टिक और चाणूर को अपने साथ मथुरा ले आया, जिनसे बाद में उसने कृष्ण और बलराम को मरवाना चाहा था। लेकिन कृष्ण बलराम जब मथुरा आए तो उन्होंने विष्णु धनुष को भी तोड़ा और जरासंध के उस हाथी को भी मारा और अंत में इन दो पहलवानों के बाद कंस को भी जैसे तैराक पानी में ही डूबता है वैसे ही कंस को भी उसके पसंदीदा मल्ल युद्ध में ही परास्त कर कृष्ण ने उसका संहार किया। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।